वेलकम बैक। और अब हम बढ़ेंगे बिग सिक्स की जानिब और बात करेंगे भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की बात करेंगे और आपको बताएंगे कि उनके मजालिम के खिलाफ सब्र का पैमाना जो है अब लबरेज होता जा रहा है लोगों का और उनका मुंह काला करने की कीमत मुकर्रर कर दी गई है। जी हाँ, उनके मुंह काला करने की कीमत मुकर्रर की गई, कैसे देखिए। भारतीय रियासत मगरबी बंगाल के दारुल हुकूमत कोलकाता की टीपू सुल्तान मस्जिद के शाही इमाम मोहम्मद नूरुर रहमान बरकती ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ फतवा जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि मोदी 500 और 1000 रुपए के नोटों की बंदिश के इकदाम के जरिए अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। ऑल इंडिया मजलिस शोरा की कॉन्फ्रेंस के दौरान खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी के इस इकदाम की वजह से हर रोज हजारों लोग मुश्किल उठा रहे हैं और उन्हें हरासमेंट का सामना भी करना पड़ रहा है। भारतीय आलम दीन मौलाना नूरुर रहमान बरकाती का कहना था कि नरेंद्र मोदी का दाढ़ी रखना जालसाजी है, लिहाजा जो भी मोदी की दाढ़ी काट कर और उन्हें गंजा करके उनका मुंह काला करेगा उसको 25 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। मगरबी बंगाल से ताल्लुक रखने वाले टीपू मस्जिद के इमाम ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान जारी किया है, जिसमे कहा गया है की नोटों की तब्दीली के मसले के बाद आम आदमी के मसाइल में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। इमाम बरकाती के फतवे ने बीजेपी को सीख पा कर दिया। बीजेपी के रियासती सरबराह दिलीप घोष ने एक भारतीय चैनल से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमाम मस्जिद ने न सिर्फ वजीर आजम बल्कि मुल्क की अवाम की तौहीन की है, हम उन्हें सलाहों के पीछे देखना चाहते हैं। जी हम मोहम्मद नूर रहमान बरकती ये मौलाना साहब हैं, इन्होंने चूँकि ये कालक मलने का टास्क जिसको दिया है उस पर जो इनाम की रकम मुकर्रर की गई है ये इस तरफ इशारा करते हैं। ये बहुत बड़ी खबर है, मतलब हम कह सकते हैं कि ये वो जज्बात 25 लाख रुपए का, जी 25 लाख रुपए का इनाम, असल में ये वो जज्बात हैं जो कि मुसलसल पिसने की वजह से अब लबरेज हो रहे हैं, जिसका इजहार इन मौलाना साहब ने किया है। अच्छा, ये कालक मलने का रुझान या कालक मलने की बात खुद नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने शुरू की थी, आपको याद होगा जब कसूरी साहब की तकरीब रुनुमाई थी उनकी किताब की, तो उस वक्त जो उनके साथ भारतीय सहाफ़ी थे जो कि बिल्कुल अच्छा बोलते हैं गालबन कुलकर्णी साहब, उनके मुंह पर कालक मल दी गई थी इस आरएसएस के गुंडों ने। तो ये वो एक जज्बात का इजहार है जो कि एक आम शहरी की जानिब से नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज़ के खिलाफ किया गया है। लेकिन इससे पहले आपको मैं एक वाक्य सुनाता हूँ कि एक पहले भी कालक मली जा चुकी है नरेंद्र मोदी की के चेहरे पर, वो कैसे कि भारत में मुस्लिम खातून स्कूल टीचर ने बुरका और हिजाब उतरवाने से अपने आप मना कर दिया कि हम मैं नहीं उतारूंगी, और जब उनको ज़्यादा दबाव डाला गया इस हुकूमत की तरफ से तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। ये इस्तीफ़ा भी नरेंद्र मोदी के मुंह पर कालक है, तो वैसे इसका मुँह काला है। जी हाँ, और अब हम बढ़ेंगे बिग सेवन की जानिब और आपको बताएँ कि बोलने से जो माजूर अफराद हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है, खुशखबरी है कि अब वो लोग भी बोलने के काबिल हो सकेंगे। किस तरह, देखिए इस रिपोर्ट में। फ्रांसीसी कंपनी ने कैंसर की वजह से बोलने से माजूर अफराद के लिए एक पैवन तैयार किया है जिसके बाद लोग बोलने के काबिल हो सकेंगे। फ्रांस में इजाद करदा इस मस्नूई वॉइस बॉक्स को एक शख्स में लगाया गया है जिसके बाद उसे बोलने में मदद मिली है। हलक के कैंसर में गले के दरमियान लगा पेचीदा वॉइस बॉक्स टेरिंग्स कहलाता है। इसे निकालने की सूरत में मरीज अपनी आवाज से महरूम हो जाते हैं। इस नई टेक्नोलॉजी के बाद एक 56 साल शख्स बासानी बोलने के काबिल हो गया। तजुर्बाती तौर पर पहला मस्नूई वॉइस बॉक्स फ्रांस के शहर एल्सिक के एक शख्स को 2015 में लगाया गया था। लैरिंग्स इंसानी जिस्म में दो अहम किरदार अदा करता है। अव्वल इसमें मौजूद सौती तार हिलने से हमारी आवाज़ बनती है और दोयम खाने के दौरान ये बंद होकर खुराक को वॉइस बॉक्स के अंदर जाने से रोकता है। हलक के कैंसर के मरीजों में ऑपरेशन करके इसे निकाल दिया जाता है और सिर्फ अमेरिका में ही सालाना 13,000 से ज्यादा ऐसे वाकयात पेश आते हैं। ये मस्नूई वॉइस बॉक्स फ्रांसीसी कंपनी प्रोटिप मेडिकल ने तैयार किया है जिसे दुनिया का पहला मस्नूई सौती बॉक्स कहा जा सकता है। इसे तैयार करने वाले मरकजी माहिर निहाल एंगन भराना कहते हैं कि दुनिया के पहले मरीज पर इसके कामयाब आजमाइश हुई है और वो किसी दिक्कत के बगैर सांस ले रहा है और बोल रहा है। अच्छा, बिग सेवन की ये जो बिग स्टोरी है इसमें जो इजाद का जिक्र किया गया है यकीनन वो अफराद, अच्छा बोलना ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत है। हम अगर अपने जिस्म को देखें तो ये अरबों खरबों रुपए का एक जिस्म है जिसके अंदर एक एक पुर्जा अगर सही हालत में है तो उसकी दूसरी कोई कीमत नहीं है, लेकिन जब
किसी बीमारी की वजह से जो बंदा महरूम होता है उसका एहसास सिर्फ वही कर सकता है। और जिस तरह हम आज बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, ये बहुत बड़ी रहमत है, बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन चूंकि कैंसर की अगर इस मर्ज़ की वजह से किसी के पास ये सलाहियत नहीं रहती, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि उन लोगों का दर्द महसूस करते हुए साइंसदानों ने ये एक बड़ा अच्छा इकदाम किया है, अच्छी इजाद की है। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। आज के बिग सेवन से इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।